Hey viewers, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is Aurangzeb important question. So, अपने सारे government exam में important रहेगा, चाहे वो SSC हो, चाहे DSSSP, KVS, NVS, REET या फिर कोई भी exam जो आप दे रहे हो, चूँकि government exam है, फिर आप इसमें ये video use कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं. आज हम बात करेंगे औरंगज़ेब से related कुछ important questions और facts की, जो कि आपके exam point of view से important रहेंगे. बाकी बात करें तो आप अपने हिसाब से इसमें जो आपको अच्छा लगे या फिर इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट कर सकते हैं या फिर कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं, पिक ले सकते हैं, व्हाटएवर यू थिंक फिट विद यू. सो विद द जनरल फॉर लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले इसमें क्या है, अगर आपको याद हो तो अपन लोगों ने मुगल डायनेस्टी की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी. हायरार्की से हम एक एक किंग के बारे में पढ़ते जा रहे थे जिन्होंने रूल किया इंडिया पे. सबसे पहले जैसे कि अपना बाबर रहा, फिर उसका बेटा हुमायूं, फिर उसका बेटा अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर दाराशिकोह की भी हमने बात की. हालांकि वो किंग नहीं बना, पर फिर भी वो किंग की उपाधि पर बैठने वाला था, पर औरंगज़ेब ने उसको हरा कर खुद बैठ गया. तो इस तरीके से हमने दाराशिकोह के लिए भी एक वीडियो बना ली थी. और लास्ट अपना रहता है औरंगज़ेब. औरंगज़ेब के बाद भी कहा जाए तो बहादुर शाह आलम फर्स्ट ऐसा कुछ है, एक मतलब इसका बेटा ही है वो बहादुर शाह. पर क्या है कि वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा, बहुत इजीली उसको हराया जा चुका था. और मुगल डायनेस्टी की मतलब जो पावर थी या फिर जो भी उसका फेम था वो कम होता जा रहा था. और औरंगज़ेब को लास्ट इफ़ेक्टिव हायरार्की का किंग माना जाता है मुगल डायनेस्टी का. ठीक है, आगे बात करते हैं औरंगज़ेब के बारे में थोड़ी सी. ऑन 3rd November 1618 औरंगज़ेब वॉज बॉर्न इन दाहौद गुजरात टू मुगल एम्प्रेस शाहजहाँ एंड हिज़ वाइफ मुमताज़ महल. यानी कि शाहजहाँ का बेटा था ये मुमताज़ महल और शाहजहाँ का. औरंगज़ेब वॉज अ थर्ड सन ऑफ शाहजहाँ. ही हैड 3 brothers एंड 2 sisters. हिज बर्थ नेम वॉज मुहीउद्दीन मोहम्मद. ही वॉज द 6th मुगल एम्परर एंड अकॉर्डिंग टू मैनी द लास्ट इफेक्टिव वन. यानी कि वो अपना तीसरा बेटा था शाहजहाँ का. ठीक है, 3 brother थे और वो 2 sister थी. ही अज्यूम द टाइटल टू ऑफ औरंगज़ेब आलमगीर आफ्टर ही टुक द मुगल थ्रोन. औरंगज़ेब को आलमगीर की उपाधि मिली थी जब उसने मुगल थ्रोन को जीता था या फिर वो सिंहासन पर बैठा था. ठीक है भाई, तो याद रखना है आलमगीर का जो टाइटल था वो किसको मिला था, तो औरंगज़ेब को मिला था. नेक्स्ट इन 1636 औरंगज़ेब वॉज अपॉइंटेड द वाइसराय ऑफ डेक्कन. ही हैड सक्सेसफुल मिलिट्री कंपेन्स देयर फॉर हिज फादर. ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ गुजरात एंड लेटर बल्क मुल्तान एंड सिंध. तो 1636 में औरंगज़ेब को अपॉइंट किया गया था वो दक्कन का वाइसराय. फिर उसने मिलिट्री कंपेन्स वगैरह चलाए थे, वो सब नॉर्मल था. शाहजहाँ हैड डेजिग्नेटेड हिज एल्डेस्ट सन दाराशिकोह एज हिज हेयर एंड सो देयर वॉज अ राइवलरी बिटवीन दारा एंड औरंगज़ेब हु वॉज नर्चर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग द एम्परर. देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ प्रीमोगेनिचर अकॉर्डिंग अमॉन्ग द मुगल्स एंड इट वॉज कस्टमरी हिज फोर सन्स टू फाइंड फॉर द थ्रोन आफ्टर द फादर्स डेथ. यानी कि इसमें क्या था कि शाहजहाँ ने जब अपना इल हो गया था वो, तो उसने राजा के लिए जब किसी को चुना तो उसने दाराशिकोह को चुना था. और जो शाहजहाँ की सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम था जहानारा बेगम, उसने भी दाराशिकोह के लिए वोट किया था कि हाँ भाई इसी को राजा बनाया जाना चाहिए. पर जब दाराशिकोह और औरंगज़ेब में फ़ाइट हुई तो औरंगज़ेब अपना विन हुआ और इसी तरीके से औरंगज़ेब राजा बना. व्हेन शाहजहाँ बिकेम इल देयर वॉज अ टसल होता है थोड़ी बहुत झड़प लड़ाई फॉर पावर अमंग हिज फोर सन. औरंगज़ेब मैनेज टू सक्सीड एंड ही अस्सर्ब्ड द थ्रोन बाय पुटिंग हिज ओन फादर इन प्रिजन. यानी कि उसने थ्रोन ले लिया और फादर को प्रिजन में डाल दिया आगरा फोर्ट के. कहा जाता है कि आगरा फोर्ट में भी जो लेडीज़ का जो थोड़ा सा साइड होती है ना, लेडीज़ का जो पार्टीशन बटा हुआ था, उस साइड उसको कैद किया गया था. शाहजहाँ डाइड देयर आफ्टर 7 years. औरंगज़ेब ऑल्सो हैड दाराशिकोह एग्जीक्यूटेड. यानी कि दाराशिकोह को भी फिर उसने मार दिया था, ख़त्म कर दिया था. He was crowned the king in 1659 को ये राजा बना और 1707 में इसकी मौत हुई थी. यानी कि 1707 तक इफेक्टिव तरीके से मुगल डायनेस्टी का रूल माना जाता था. एट दिल्ली द फर्स्ट 10 years ऑफ हिज रूल वॉज क्रॉनिकल्ड इन आलमगीर नामा रिटन बाय मोहम्मद कजीम. यानी कि इसको आलमगीर की जो उपाधि मिली थी तो उसके लिए आलमगीर नामा नाम की एक किताब भी लिखी गई जो कि मोहम्मद काजीम ने लिखी थी. He employed many Hindus in his court, but he also detracted from the policy of religious tolerance practiced by his ancestor. He reversed many of Akbar's policy towards non-Muslim. He introduced the jizya or the tax on
नॉन मुस्लिम्स, ही इज़ सेड टू हैव डिस्ट्रॉयड मैनी हिंदू टेम्पल्स। माना जाता था कि हिंदुओं का कट्टर दुश्मन औरंगज़ेब हुआ करता था, जो कि और अकबर ने जब जिजिया टैक्स हटाया था उस टैक्स को वापस इसने लागू कर दिया था। जिजिया टैक्स क्या था, जो पिलग्रिम्स तक जाते थे यानी कि जो यात्रा पे जाते थे, तो यात्रा पे जाते समय उनको टैक्स देना पड़ता था, उसे जिजिया टैक्स कहा करते थे। अकबर ने इस टैक्स को अबॉलिश किया था, हटा दिया था, पर औरंगज़ेब ने इस टैक्स को फिर से लगा दिया क्योंकि वो हिंदुओं का कट्टर विरोधी था। He was also infamous for executing the Sikh leader Guru Tegh Bahadur for his refusal to convert to Islam. He also nurtured ill will for the Sikhs since they had given refuge to his rival Dara Shikoh. अब क्या था, गुरु वगैरह जो थे, जो सिखों के 10 गुरु थे, वो लोग बेसिकली जो भी एक गुरु थे सिख विक के, लोग सपोर्ट किया करते थे दारा शिकोह को, क्योंकि दारा शिकोह थोड़ा रिलीजियस पर्सन था और वो सभी धर्मों को उतना ही सम्मान देता था जितना अपने मुस्लिम धर्म को देता था। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि दारा सिखों ने क्या किया था, भगवद गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किया, 52 उपनिषदों को किया, वो सभी धर्मों के लोगों को अपने यहाँ बुलाता था और फिर उनके धर्म का ज्ञान ग्रहण करता था। उसने सिख को भी बुलाया, क्रिश्चियन को भी बुलाया, हिंदू को भी बुलाया, हर किसी का ज्ञान उसने सीखा और फिर उसको कैच किया। तो इसलिए ये जो सारे गुरु थे ना बेसिकली, फिर इनका जो कुंबा था, वो पूरा का पूरा किसको सपोर्ट करता है, दारा शिकोह को। इसलिए भी औरंगज़ेब को इनसे चिढ़ थी और औरंगज़ेब ने क्या किया, फिर गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन करवाया या फिर इसको मतलब डेथ करवाई इनकी, मार दिया इनको, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया था, यानी कि इसने उसे जबरन इस्लाम कबूल करने को कहा, पर जब गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया तो इसने उसको एग्जीक्यूशन करा दिया। Under his reign, the Mughal Empire expanded. He had a massive army and the empire reached its zenith. Under him, in terms of area, he conquered large parts of Deccan and pushed the north-western limits of the empire. माना जाता है कि एक यही मुगल शासक था जिसके रहते ना तमिलनाडु तक अपना वो आ गया था, इसका मुगल डायनेस्टी का एम्पायर आ गया था। बाकी कोई नहीं है जो इतना नीचे तक आ चुका हो अपना एम्पायर को लाकर। मेवाड़ को भी इसी ने हराया। इस तरीके से कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छा मिलिट्री मैन था और इसने शासन को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बढ़ाया। औरंगज़ेब आल्सो बैन द यूज़ ऑफ अल्कोहल, गैम्बलिंग एंड म्यूजिक फ्रॉम हिज एम्पायर। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश्ड अंडर हिम। इन 1667 ही गेव परमिशन टू द फ्रेंच फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री एट सूरत। इसने क्या था, भाई बैन लगा दिया था अल्कोहल पे, गैम्बलिंग, नशे, जुए वगैरह पे और म्यूज़िक पे, जो कि इसके एम्पायर में बसता था, यानी कि राजमहल में गाना बजाने से इसने मना कर दी थी। इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह बहुत ही ज़्यादा बढ़ी इसके एम्पायर में। इसने परमिशन दे दी 1667 में फ्रेंच लोगों को कि वो सूरत में क्या कर सकते, अपनी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खोल सकते हैं। During his reign, he had to deal with many rebellions such as by the Jats around Mathura and the Marathas under Shivaji and संभाजी, मैनी राजपूत, द सिख एंड द पस्थंस, यानी कि बहुत सारे इसके रेबिलियंस या फिर इसके कंपटीटर्स हुए हैं जो कि इससे लड़ने के लिए, इससे विद्रोह करने के लिए तैयार थे। दो द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स टेरिटोरियल हाइट्स ड्यूरिंग औरंगज़ेब टाइम, इट वाज आल्सो बिगनिंग एट द एंड इन मेनी वेज। यानी कि माना तो जाता है कि औरंगज़ेब ने बहुत ही ज़्यादा जेनिथ पे यानी कि पीक पे अपने एम्पायर को पहुँचा दिया, पर वहीं से उसका एंड भी माना जाता है। औरंगज़ेब सक्सेसर वर नॉट एबल टू मेंटेन द वास्ट एम्पायर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड मैनी न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ फॉर्मर मुगल वेसल्स। यानी कि औरंगज़ेब के जो सक्सेसर यानी कि उसके बेटे वगैरह जो थे वो उस चीज़ को संभालने के काबिल नहीं थे। औरंगज़ेब डाइड हो गया अहमदनगर में 1707 में, ओल्ड एज में, कितनी एज थी उसकी, 88, इलनेस के बाद। ही वॉज इन द मिडल ऑफ डेक्कन कंपेन देन, ही हैड रेन ऑफ 49 ईयर्स। हिज सन आजम शाह ascended to throne thereafter, but was soon defeated by half brother Shah Alam. Shah Alam then succeeded to the Mughal throne, assuming the title Bahadur Shah first. यानी कि इसके बेटे जो थे, आजम शाह को सबसे बड़ा बेटा था, उसको राजगद्दी दी गई, पर उसको शाह आलम ने हराकर गद्दी ले ली, जिसको बाद में बहादुर शाह फर्स्ट कहा गया। अब बात कर लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। विच टाइटल डिड औरंगज़ेब एज्यूम आफ्टर डिसेंडिंग टू द थ्रोन? तो औरंगज़ेब किसके बाद राजा बना? भाई जहांगीर के बाद राजा बना। अंडर हुज लीडरशिप डिड मराठा टेक अप द आर्म्स अगेंस्ट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगज़ेब? तो शिवाजी, यानी कि किसने, कौन सा मराठा था जिसने उसकी रिलीजियस पॉलिसी को नहीं माना। हु ऑर्डर द किलिंग ऑफ नाइन्थ गुरु, यानी कि नौवें गुरु को किसने मारा? भाई औरंगज़ेब ने मारा गुरु तेग बहादुर जी को। हु वॉज गुरु गोविंद सिंह? ही वॉज अ टेंथ गुरु ऑफ सिख एंड द सन ऑफ नाइन्थ गुरु तेग बहादुर सिंह, यानी कि तेग बहादुर सिंह का बेटा दसवां गुरु कौन था? गुरु ऑफ सिख कौन था अपना? गुरु गोविंद सिंह। हु फाउंडेड द खालसा पंथ इन सिखिज्म? ठीक है, तो लास्ट और टेंथ गुरु ने ही खालसा पंथ का उद्घाटन किया है, फिर उसको डाला। विच काइंड ऑफ इंडियन औरंगज़ेब वॉन्टेड?
ही वॉन्टेड टू कन्वर्ट दर उल हरब इंटू दर उल इस्लाम, यानी कि सबको जानता था कि वो भाई सब लोग क्या करें, इस्लाम को अपना ले। दर उल हरब उसके हिसाब से क्या था, हाउस ऑफ वायलेंस था, इसलिए वो चाहता था कि सब लोग बदल ले अपना। व्हाट वाज द टर्म दर उल इस्लाम मीन्स अ हाउस ऑफ पीस, यानी कि उसका माना था जो भी दर उल हरब है यानी कि हिंदुस्तानी है वो वायलेंस को शो करते हैं, और जो भी दर उल इस्लाम है वो अ पीस ऑफ हाउस ऑफ पीस है जो कि इस्लाम को शो करते हैं, तो इसलिए वो चाहते थे कि सारे दलूर हरब इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। विच मुगल रूलर डिसकंटिन्यूड द झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन बेसिकली क्या हुआ था, लेडीज़ का जो सेक्शन हुआ करता था वहाँ पे एक झरोखा सा बनाया जाता था ताकि वो किसी मीटिंग को देख सके, क्योंकि सामने तो आ नहीं सकती थी वो, तो पर्दा प्रथा उनके लिए थोड़ी की जाती थी, तो उस पर्दा को अपना झरोखा बोला जाता था। तो वो सिस्टम किसने हटा दिया था, औरंगज़ेब ने हटा दिया था। विच मुगल रूलर बैन द म्यूज़िक इन द कोर्ट, तो औरंगज़ेब। विच मुगल रूलर इम्पोज जजिया टैक्स अगेन इन 1679 AD, तो औरंगज़ेब। विच मुगल रूलर अबॉलिश द नरोज फेस्टिवल, किसने भाई मना कर दिया था, तो औरंगज़ेब ने। विच मुगल रूलर अपॉइंटेड द मुतासिब या फिर कंसिडरर्स ऑफ पब्लिक मोरल्स, तो किसने इसे मना करा भाई या फिर किसने अपॉइंट किया, तो औरंगज़ेब ने। विच मुगल रूलर इशूड सेक्युलर डेक्रीज कॉल्ड जवाबित्स, तो किसने जवाबित्स नाम का कोई सेक्युलर डेक्री ऑर्डर किया था, तो वो किसने किया था, औरंगज़ेब ने। विच मुगल रूलर इज़ ऑल नोन एज जिंदा पीर, किसको जिंदा पीर कहा जाता था, तो औरंगज़ेब को, ये भी अपन को याद रखना है। विच मुगल रूलर हैड चेंज द नेम ऑफ सिटी ऑफ मथुरा टू इस्लामाबाद, मथुरा का नाम इस्लामाबाद किसने किया, तो भाई औरंगज़ेब को, औरंगज़ेब ने किया। ये याद रखना इसलिए भी ईजी है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुगल डायनेस्टी में इसी ने इस्लाम को इतना ज़्यादा प्रमोट किया था जितना बाकियों ने नहीं किया था। औरंगज़ेब कब डाइड हुआ, तो 1707 में डाइड हुआ। वेयर वॉज औरंगज़ेब बरिड, कहाँ पे उसे बरिड किया गया, तो दौलताबाद में किया गया जो कि अब देवागिरी है। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था, तो औरंगज़ेब था। मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने 17वीं शताब्दी में भारत में अपनी पहली पत्नी दिल राम बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था, तो ये भी याद कर सकते हैं आप, उसने क्यों बनवाया था, अपनी पहली बीवी की याद में बनवाया था, दिल राम बानो बेगम, या फिर उसका नाम था रबिया उदौरानी, ठीक है। अभी कहाँ पे स्थित है भाई आपका, तो औरंगाबाद में स्थित है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो बीबी का मकबरा या फिर आपका ये रबिया उदौरानी का मकबरा। नवाब बाई जो औरंगज़ेब की दूसरी बीवी थी उसकी मृत्यु 1691 में दिल्ली में हुई, उन्हें कहाँ दफनाया गया था, तो उन्हें मोती मस्जिद में दफनाया गया था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का दो बार सिंहासन रोहण हुआ, सिंहासन रोहण होता है आपका बेसिकली कि दो बार राज्य तिलक किसका हुआ, भाई दो बार राज्य तिलक औरंगज़ेब का हुआ था। अब कैसे हुआ था, एक बार तो इसने ना खुद ही अपना राज तिलक कर दिया था, जब शाहजहां इल हुआ ना तो इसने खुद ही बोल दिया मैं राजा हूँ, और फिर ये राजन मतलब बाकी भाइयों से लड़ाई वड़ाई करने लगा कि अब मैं ही राजा हूँ, तो इसने खुद अपना राज तिलक कर लिया था। दूसरी बार कब किया इसने, जब इसने दारा शिको को हरा दिया और औरंगज़ेब को जेल में डाल दिया, आगरा फोर्ट में जब इसको अरेस्ट कर लिया, बंदी गृह में बंद कर दिया, तब इसने दूसरी बार अपना राज सिंहासन करवाया था यानी कि अपना राज्यभिषेक करवाया था। कब औरंगज़ेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, तो 1658 के अंदर की थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई, औरंगज़ेब के काल में हुई। हालांकि इसने म्यूज़िक को अपनी एम्पायर से हटा दिया था, इसने कहा था कि इसकी जो सभा है उसके अंदर म्यूज़िक नहीं बजेगा, पर फिर भी सबसे ज़्यादा फारसी कृतियाँ संगीत में कहाँ पर हुई, तो भाई इसी के अंदर हुई। कौन सा विदेशी यात्री औरंगज़ेब के काल में भारत आया था, तो निकोलो मनुची, ये भारत आया था, याद रखना है अपन को। निकोलो मनुची कब आया, तो औरंगज़ेब के टाइम पे आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगज़ेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, तो सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट, औरंगज़ेब ने सभी अंग्रेज़ों को गिरफ्तार करने और अपने राज्य में सभी अंग्रेज़ों कारखाना को जब्त करने का आदेश जारी क्यों किया, क्योंकि वो इसे टैक्स नहीं दे रहे थे, शुल्क नहीं दे रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने बंगाल में स्थानीय शुल्क देने से इनकार कर दिया था, इसलिए इसने क्या कहा था कि सभी कारखाने बंद कर दो। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगज़ेब को, ये किस इतिहासकार ने लाइन कही थी भाई, तो जदुनाथ सरकार ने कही थी, और किसके टाइम पे कही थी, औरंगज़ेब के टाइम पे कही थी। नेक्स्ट है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला, तो किसके राज्य में फैला था, भाई औरंगज़ेब के टाइम पे फैला था। किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त कहा था कि मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ, ये भी औरंगज़ेब ने कहा था। सो इस प्रकार अपनी वीडियो एंड होती है, आई होप यू लाइक द वीडियो। इससे पहले अपन एक और चीज़ कर सकते हैं।
अगर अपनी आज मुगल डायनेस्टी ख़त्म हो गई है। मुगल डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले बाबर की बात की थी, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। सबसे पहले हमने बाबर की बात की, उसके बाद हमने की थी हुमायूं की बात, उसके बाद अकबर की थी, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और फिर हमने औरंगज़ेब की बात की। वैसे हमने शाहजहां और औरंगज़ेब के बीच में दारा शिकोह की बात की, पर वो कभी किंग नहीं बना, फिर भी हमने उसकी बात कर ली थी। और वैसे आपकी मुग़ल डायनेस्टी कुछ इसी प्रकार रही थी, पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और लास्ट में औरंगज़ेब। और 1707 में माना जाता है कि इफ़ेक्टिव तरीके से मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी। हालांकि इसके बाद बहादुर शाह जफर का थोड़ा बहुत जिक्र है कि मुग़ल डायनेस्टी उन्होंने संभाली, पर वो इतना इफ़ेक्टिव तरीका नहीं रहा। अंग्रेज़ों ने उनको जेल में कैद कर दिया था, अपनी बेगम के साथ वो जेल में ही मर गए थे। मतलब इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव उनको नहीं माना गया है, क्योंकि वो हार जाते थे इजीली एज़ कम्पेयर टू बाकी मुग़ल राजाओं के। ठीक है, तो अपनी मुग़ल डायनेस्टी कुछ ऐसी ही रही थी। हमने एक एक वीडियो सब पे डाली है इन पे, जिससे कि आप इन्हें समझ सकते हैं। और आज अपनी मुग़ल डायनेस्टी की पूरी हायरार्की एंड होती है। सो इस प्रकार अपना ये वीडियो कुछ रहा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और द थम्स अप, शो द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।